ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं टॉरस आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, और फिर बात करेंगे करियर की, और लास्ट में हम कार्ड्स पुल करेंगे फॉर गाइडेंस। जी हाँ, गाइडेंस क्या है आपके लिए? So Taurus, let's find out. Okay, Taurus, it's all about new. I think something new. There is something new. And again, मुझे ऐसा लगता है a distant connection. And you are having emotions for someone. ठीक है, न्यू एनर्जी बहुत ज़्यादा डिपेक्ट हो रही है. और feelings, you know, emotions, या हो सकता है कि overwhelming, romantic feelings, that kind of a thing we are getting. और हो सकता है ये person आपसे दूरी पे है. On the other hand, आपके जो partner है, somebody is refusing, और कोई है जो आपके साथ on off connection में है. They are not crossing the boundaries. ठीक है, boundary cross नहीं कर रहे हैं, या आपका on off connection है. इस person का next move, I think lot of communication is going to happen. मुझे ऐसा लगता है आपकी किसी से बात हो सकती है. ठीक है, हो सकता है न्यू लव इंटरेस्ट है आपके लिए, तो बात कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है. ठीक है, और आउटकम क्या है? इट्स गोइंग टू बी स्टक. ओके, आई थिंक लाइक मे बी आप लाइक आपके जो पार्टनर है वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं ज़्यादा, या हो सकता है, लेकिन बातें मुझे ऐसा लग रहा है हो सकती हैं आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, यू नो, और मैसेजेस, यू नो, एक दूसरे को टेक्स्ट करना, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, बट अभी कहीं पहुँच नहीं रहे हैं. ठीक है, तो कुछ के लिए हो सकता है इट्स वेरी इनिशियल, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू नो लाइक इशूज़ हैं, यू नो, फैमिली से रिलेटेड और अदर इशूज़ हैं आप लोगों के बीच में, बट अभी सिर्फ बातें होते हुए दिखाई दे रही हैं मुझे. ओके, जो लोग टोटली सिंगल है टॉरस, देन आई थिंक इट्स अबाउट रिकंसिलिएशन विद समबडी. और मे बी हो सकता है कि कोई फ्रेंड सर्कल में, यू नो, आपको कोई मैच मिल सकता है, यू कैन कनेक्ट विद समबडी, बात हो सकती है, शादी तक बात पहुंच सकती है. जो टोटल सिंगल जो है टॉरस, आई थिंक बी रेडी. और मे बी इट्स अबाउट मनी एज वेल. ओके, आप बहुत एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, मनी फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट फॉर अदर्स इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड, या कोई अच्छा प्रपोजल मिल जाए. ठीक है, द वन हु इज मेंट फॉर यू. तो ये सारी एनर्जी हमें टॉरस के लिए दिखाई दे रही है. ओके, एक्सक्यूज मी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर टॉरस. करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपके लिए? ओके, करियर वाइज सीम्स टू बी गुड. आई थिंक इट्स अबाउट विश फुलफिलमेंट. ओके, देन वी हैव द एम्परर एनर्जी हियर. सो आपको आपकी पोजीशन से कोई हिला नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल आप, ठीक है, हार ना माने. वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है टॉरस के लिए. व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी. ओके, सो आई थिंक इट्स अबाउट अचीवमेंट, इट्स अबाउट सक्सेस, इट्स अबाउट पोजिशन, इट्स अबाउट ग्रोथ. ठीक है, बहुत कुछ लाइक आपके ड्रीम्स हैं एंड वो सब पूरे हो रहे हैं. तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी लाइक जो मन में आ रहा है, ठीक है, वो आपके लिए इट्स लाइक गेटिंग अलाइन फॉर यू, बिकॉज आई थिंक स्पेशल गोल्स हैं आपके. आप कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वो चीज़ आप कर भी रहे हैं. इट्स अबाउट एंड और उसके लिए हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे. यू आर पुटिंग लाइक 100% इन योर वर्क, और वो दिख रहा है, वो अचीव कर रहे हैं आप. सो टॉरस के लिए ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी फॉर योर करियर. नई शुरुआत हो सकती है, नई जॉब हो सकती है. सो विश यू ऑल द बेस्ट. और देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर टॉरस जनरल ओवरऑल एनर्जी क्या है. ओके, ध्यान रखिए. आई थिंक अच्छा, कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट विंडफॉल ऑफ मनी. ओके, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या ओवर एक्सपेंडिचर भी हो सकता है.
लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक बैलेंस, हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये चीज़ है कि टॉरस लाइक स्पेंडिंग इज़ गुड बट ओवर स्पेंडिंग इज़ नॉट दैट गुड. और मे बी इट्स अबाउट यू शुड टेक केयर ऑफ योर वेल्थ, फाइनेंसिस, मनी, हार्ड अर्न मनी, एंड डोंट टेक नेस्टी डिसीजन या जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए. एंड अदरवाइज सीम्स टू बी गुड. ओके, बैलेंस रखिए हर चीज़ का. सो ऑल इन ऑल गुड एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द टॉरस. नाउ लेट्स फाइंड आउट क्या गाइडेंस है भगवान की तरफ से, एंजल्स की तरफ से टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है. ओके टॉरस, अगर जाना है अपने सही रास्ते पे, ठीक है, सो यू कांट अफोर्ड टू बी लेजी. ओके, लेजी होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है. एंड कीप ऑन डूइंग योर गुड वर्क. और आगे बहुत अचीव करना है और आंखें बंद करके मत चलिए. यहाँ पे हमारे पास नाइन ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है. विशेस पूरी हो रही हैं पर यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ब्रोकन ग्लास. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इतना आंखें बंद मत कर लीजिए कि आपको कुछ दिखाई ना दे. ठीक है, और ब्रेक द चेन्स बट डोंट अपनी फ्रीडम का गलत फ़ायदा मत उठाइए. पहली बात तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है कि यस, अपनी फ्रीडम का कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाइए. या जो आपको भगवान ने दिया उसको चेरिश कीजिए. एंड वो लास्टली लाइक स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. ठीक है, वो वाली एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है. तो खुशी के बहुत तरीके होते हैं, खुशी मनाने के भी बहुत तरीके होते हैं. ठीक है, एंड आई थिंक इट्स अबाउट एवरीबडी हैज़ अ चाइल्ड इनसाइड. ठीक है, तो वो जो चाइल्ड है ना, वो जो एक मासूमियत है, उसको आई थिंक खोना नहीं चाहिए. पहली बात तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है. तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको भगवान से जुड़े रहना होता है. बी केयरिंग, बी शेयरिंग. अगर अच्छा कर रहे हैं तो आप किसी की मदद कीजिए, अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो अपने लिए तो करते ही हैं सब. ठीक है, तो आप किसी और के लिए भी कुछ कर सकते हैं. ठीक है, इट्स अबाउट बैलेंस. इट्स अबाउट लाइफ शुड बी बैलेंस्ड और हैप्पी. तो यहाँ पे हमारे पास एक इनोसेंस आ रहा है. डोंट यू लूज योर इनोसेंस. ठीक है, हैप्पी रहन. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन है, इसके पास सब कुछ है बट स्टिल वो अनहैप्पी है. ठीक है, स्टिल देयर इज डिसकंटेंटमेंट, बहुत कुछ है. सो अब उसके लिए क्या होता है, उसके लिए तो आपको खुद हैप्पी, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड, बाहर से नहीं आती. आप जितना मर्जी भटक लीजिए, जो मर्जी घूम लीजिए, जो मर्जी पहन लीजिए, बट खुशी जो आती है वो अंदर से आती है. वो अंदर वाली खुशी को ढूंढना बहुत ज़रूरी है. और दूसरा ये इट्स ऑल अबाउट विजडम. इट्स अबाउट दैट ऑल्सो. एंड यस ऑफ कोर्स, एंड डिवाइन टाइमिंग. ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ऑल इन ऑल यस, एंड वी हैव ट्रैवलिंग कार्ड एज वेल. ओके, सो वक्त से पहले नहीं होता जब डिवाइन टाइमिंग. लाइक मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर किया है. सो ऐसा नहीं है कि आपने अभी ऑर्डर किया और अभी नो, एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड मे बी इट्स ऑन द वे. ठीक है, जो भी आप जा रहे हैं सो उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. और हमें कमेंट करके बताइए. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.